सत श्री अकाल दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको विलंबित तीन ताल के बोल बताने जा रहा हूँ। मैंने काफ़ी समय पहले भी विलंबित तीन ताल पर एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें मैंने इंग्लिश में बताया था और डिटेल के साथ पूरा नहीं बता पाया था। आज इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में विलंबित तीन ताल के बोल बताऊँगा। दोस्तों तीन ताल के बोल तो आपको पता ही हैं, धा धिन धिन धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। लेकिन जब इन बोलों को बहुत कम लय में बजाया जाता है तो बोलों के बीच में गैप आ जाता है। हर बोल के बाद थोड़ा गैप होता है, तो उस गैप में छोटे छोटे फिलर्स भरे जाते हैं, तो उसको विलंबित तीन ताल कहते हैं। किसी भी ताल को जब बहुत कम लय में बजाया जाता है तो उसको विलंबित नाम देते हैं, उस ताल का विलंबित। जैसे अगर झप ताल को बजाया जाए बहुत कम लय में तो उसको विलंबित झप ताल बोलेंगे। इसी तरह बहुत कम लय में अगर एक ताल को बजाया जाए तो उसको विलंबित एक ताल बोलते हैं। तो उसी तरह ये विलंबित तीन ताल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये सिर्फ मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस करते करते आप इसमें और भी अपने हिसाब से कोई और फिलर्स भी डाल सकते हैं। ये मैं सिर्फ आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, तीन ताल की 16 मात्राएं होती हैं, तो चार चार करके देखेंगे। पहली चार मात्राओं को देखते हैं विलंबित तीन ताल में कैसे बजाना है। पहली चार मात्राएं धा धिन धिन धा। तो अब इनको विलंबित तीन ताल में फिलर्स के साथ कैसे बजाना है ये देखिए, मैं एक बार बजाता हूँ फिर उसके बोल बताता हूँ। धा के त्रिक धिन के त्रिक धिन के त्रिक धा धा गिन ना। तो पहली चार मात्राओं को ऐसे बजा सकते हैं, धा के त्रिक धिन के त्रिक धिन के त्रिक धा धा गिन ना। इसमें जो के है उसको बहुत सॉफ्ट बजाना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं बजाना है। और इसमें जो त्रिक है, त्रिक, अगर आपको त्रिक नहीं आता है तो आप उल्टी तिट बजा सकते हैं इस तरह से, धा के तिट धिन के तिट धिन के तिट धा धा बिन ना। उसके बाद अगली चार मात्राएं देखते हैं, मैं एक बार बजाता हूँ। धा 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 धिन के त्रिक धिन के त्रिक धा कड़धा ती। फिर से देखिए, धा कड़धा धा धिन के त्रिक धिन के त्रिक धा कड़धा ती। इसमें जो कड़ बोल है वो इस तरह से बजेगा, क ड कड़धा ती कड़धा ती। कई बार जो कड़ बोल होता है उसको किनार पर भी बजाया जाता है, कड़धा ती इस तरह से, इसको भी कड़धा ती बोलते हैं। तो ये फुर्ती से बजाना पड़ेगा। एक बार फिर से देखते हैं, धा कड़धा धा धिन के त्रिक धिन के त्रिक धा कड़धा ती। उसके बाद आगे खाली है तीन ताल की, अगली चार मात्राएं देखते हैं। धा ये के त्रिक तिन के त्रिक तिन के त्रिक तिन ना के तिट किट। धा ये के त्रिक तिन के त्रिक तिन के त्रिक तिन ना के तिट। तो लास्ट की चार मात्राएं, ताती ता के तिट किट धिन के त्रिक धिन के त्रिक तिट धान धान धा। बिल्कुल लास्ट में छोटी सी तिहाई पर खत्म कर सकते हैं। फिर से देखिए, लास्ट की चार मात्राएं, ताती ता के तिट किट धिन के त्रिक धिन के त्रिक तिट धान धान। ये जो लास्ट की चार मात्राएं हैं इनमें आप कोई तिहाई भी लगा सकते हैं,
जो पूरी लास्ट की चार मात्राओं में फिट आ जाए। जैसे मैं आपको एक लगा लगा कर दिखाता हूँ। टिक धा न धा न धा किन्ना टिक धा न धा न धा किन्ना टिक धा न धा न धा, ये पूरी चार मात्राओं में आ जाती है, लास्ट की चार मात्राओं में। तो इस तरह से आप इतने साइज़ की जो अभी मैंने बजाई है, कोई और भी तिहाई लगा सकते हैं। धट धिट तकत गति के नदा, धट धिट तकत गति के नदा, धट धिट तकत गति के नदा, ये भी लगा सकते हैं आड़ लय में। धट धिट तकत गति के नदा, धट धिट तकत गति के नदा, धट धिट तकत गति के नदा। लेकिन इसकी लय का ध्यान रखना पड़ेगा, आड़ लय में है ये। तो अब मैं पूरा विलंबित तीन ताल बजाता हूँ, उसको आप देखिए ध्यान से। शुरू करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। धा के त्रिक दिन के त्रिक दिन के लिख धा धा गिन्ना धा कर धा धा दिन के लिख दिन के लिख धा कर धा ती धा वे के लिख दिन के लिख दिन के लिख दिन ना के टिप के ताती का के टिप के दिन के लिख दिन तिक तिक धान धान। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए बोलों के साथ।